Hi everyone, I am Kushal Lodha, founder of Kegar, an edtech platform in finance upskilling, and I'm also a qualified chartered accountant, CFA and ACCA as well. In this video, we are going to discuss whether you should actually join coaching for all these courses like CA, CFA, ACCA, which I've mentioned, or you can also do it by self-study. So this video is going to be a breakdown of the pros and cons of doing self-study, pros and cons of doing your coaching classes as well. And depending on what type of student you are, this video will tell you what kind of coaching you should join and whether you should actually join or not. तो मैं एक पर्सनल एग्जांपल शेयर करता हूँ, राइट। लाइक जब मैंने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किए थे तो मैंने ऑलमोस्ट सारे टाइप के किए थे, इन द सेंस दैट मैंने ऐसे भी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किए थे जहाँ पर पेनड्राइव लेक्चर्स में मेरे घर पे बैठे बैठे देखता था। मैंने कोचिंग क्लासेस ऐसे भी ज्वाइन किए थे जहाँ पर मैं क्लासरूम में जाके 150-200 बच्चों के साथ पढ़ाई करता था। एंड मैंने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं भी किए थे, इन द सेंस कि मैंने सेल्फ स्टडी किया था फॉर CFA एंड ACCA। तो आई हैव ऑलमोस्ट डन ईच एंड एवरीथिंग डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ कोर्स आई एम डूइंग एंड डिपेंडिंग ऑन कि मेरे पास टाइम कितना अवेलेबल है। लेट्स ब्रेक दिस आर्ग्यूमेंट, राइट। लाइक लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ स्टडी फर्स्ट। What are the pros and cons of doing a self-study versus doing a coaching? Self-study में सबसे important क्या होता है पता है? अगर आप खुद से कोई chapter पढ़ रहे हो, अगर आप खुद से कोई चीज़ पढ़ते हो ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आती है, unless you are stuck somewhere and unless you don't understand something very critically or very minutely। तो इसमें होता कि अगर आप खुद से पढ़ते हो तो आपका दिमाग ऐसे function करता है कि आपको problem solve करना है। आप YouTube पे जाओगे, आप Google पे जाओगे, आप Wikipedia पे जाओगे, आप सारे internet browsers पे जाओगे and search करोगे कि okay, ये समझ नहीं आ रहा है, इसका answer कैसे निकालते। And this will definitely help you to become a problem solver, and this will definitely help you in order to become a very very good entrepreneur in the future, if in case you want to start something of your own। So I think self study mein sabse bada advantage ye hota hai ki aap khud se sari cheeze karte ho, and that's what it really helps you in order to become more entrepreneurial and aap zyada initiatives le pate ho। Isme ek disadvantage kya hota hai pata hai ki aap network nahi kar pate ho students ke sath। Dusra disadvantage ye hota hai ki aapko discipline bahut chahiye। Aajkal kya hai ki bahut sare bachcho mein ye problem hai ki discipline ya self motivation nahi hota hai। To agar main khud se padhai karne jata hu to hamesha aise aata hai ki are yaar chaliye बाद में कर दूंगा, अरे यार चलो ये कल कर सकते हैं, परसों कर सकते हैं। तो कंप्लीशन रेट जिसे बोलते हैं हम एडटेक इंडस्ट्री में, राइट, वो बहुत कम हो जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ स्टडी कि आपको डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो देन आपको सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जाएगी। इसमें एक और एडवांटेज होता है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस, बिकॉज आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ रहा है कोचिंग में, तो आप खुद से ये सब पढ़ सकते हो। इसमें सिर्फ खर्चा हुआ कि आपके टेक्स्ट बुक्स का या रेफरेंस बुक्स का जो आप यूज करने वाले हो। एंड द बिगेस्ट एडवांटेज इज द फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें आप क्या कि आप खुद से कभी भी पढ़ सकते हो एंड आपको कोई दूसरे के टाइम के हिसाब से कोई कोचिंग सेंटर में नहीं जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई कोचिंग सेंटर जाता हूं तो मुझे पता है कि सुबह 7 बजे से 10 बजे तक कोचिंग क्लास में ही बैठना है। मुझे पता है कि ओके सैटरडे को मुझे 8 से 2 ये कोचिंग क्लास में जाना ही जाना है। तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, राइट। तो सेल्फ स्टडी में आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी जरूर रहेगी जहां पर आपके हिसाब से आप कभी भी पढ़ाई कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ा कॉन क्या है पता है? लाइक सबसे बड़ा कॉन इसमें यह होता है कि आपको गाइडेंस मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड गाइडेंस नहीं मिलेगा अगर आप खुद से पढ़ाई करोगे। सो इफ लेट्स से यू आर स्टक समवेयर एंड इफ यू रियली वांट सम गाइडेंस, इफ यू वांट समवन टू शो यू अ पाथ इन ऑर्डर टू जस्ट क्लियर दीज एग्जामिनेशन, तो वो आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा। एंड अनदर बिग डिसएडवांटेज हियर इज द आइसोलेशन डिसएडवांटेज। मतलब क्या कि बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि अगर मैं ग्रुप में पढ़ाई कर रहा हूं, अगर मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई करता हूं, मैं दूसरे लोगों को देख के मोटिवेट हो जाता हूं, वो इसमें पॉसिबल नहीं, बिकॉज आप आइसोलेट हो जाओगे और आप खुद ही खुद के साथ पढ़ाई करोगे और खुद के साथ बातें करना शुरू कर लोगे, तो इसमें आइसोलेशन का प्रॉब्लम होगा और ग्रुप स्टडी नहीं हो पाएगी। दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ स्टडी एज वेल। तो जो मैंने प्रोज बोले सेल्फ स्टडी के वो आपके कॉन्स हो जाएंगे इन कोचिंग, एंड जो मैंने कॉन्स बोले सेल्फ स्टडी के वो आपके प्रोज बन जाएंगे इन द कोचिंग। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ओके मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर हाँ तो कौन से सब्जेक्ट्स के लिए करनी चाहिए और कहाँ पे करनी चाहिए। तो कहाँ पे करनी चाहिए वो दैट इज अ पर्सनल क्वेश्चन। मैं बता दूंगा कि मैंने कहाँ पे ज्वाइन की थी फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, राइट, फॉर सीए फाइनल स्पेसिफिकली मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो थियोरटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट, उनके लिए कोचिंग की जरूरत नहीं है इन माई ओपिनियन। बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे आज भी याद है कि मैंने फ्रॉम स्क्रैच इन द लास्ट 4-4.5 months पूरे थियोरटिकल सब्जेक्ट्स मॉड्यूल से उठाए थे, एंड मुझे आज भी याद है कि मैंने पूरा मॉड्यूल 1 by 1 वर्ड बाय वर्ड पढ़ा था एंड मैंने ग्रास्प किया था खुद के पावर के हिसाब से। सेकेंडली अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है जिसमें आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, जिसमें आप बहुत प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आप स्टक हो जाओगे वहाँ पे, तो आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए फॉर द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स इन माय ओपिनियन। जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, या तो ऐसे जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है जिसमें आपको लगता है कि मुझे बहुत गाइडेंस की जरूरत है एंड मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो उसके लिए कोचिंग ज्वाइन करना बहुत बहुत जरूरी है। सेकेंडली टॉकिंग अबाउट CFA एंड ACCA कोर्सेज, राइट, तो मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं किए थे नाइदर फॉर CFA नॉर फॉर ACCA, बट If you are someone who would want guidance on CFA as well, who would want guidance on practical subjects, अगर आपको finance में knowledge ज़्यादा नहीं है तो आपको CFA के लिए भी coaching join करना चाहिए। Why? Because CFA में क्या है कि 10 subjects होते हैं and वहाँ पर आपको in-depth knowledge required होता है of each and every subject।
द रीजन आई डिड नॉट ज्वाइन कोचिंग फॉर CFA वॉज बिकॉज कि मैंने सी ए में ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ लिया था विच इज एज गुड एज 75-80% ऑफ CFA लेवल 1. तो इसीलिए मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी. एंड CFA लेवल 2 एंड लेवल 3 भी फाइनेंस ओरिएंटेड था एंड आई वॉज लाइक वेरी मच इंटरेस्टेड इन फाइनेंस. एंड मैंने खुद से श्वेजर नोट से पढ़ लिया था फॉर CFA लेवल 2 एंड लेवल 3 एज वेल. एंड मैंने आरिफ इरफानुल्ला के लेक्चर्स देख लिए थे फॉर CFA लेवल 2 एंड लेवल 3. तो इसमें क्या होता है कि बिगेस्ट एडवांटेज हियर इज दैट सिंस मैं खुद से पढ़ाई कर रहा था एंड मैं रिविजन लेक्चर्स देखता था तो मुझे पता कि मैंने ये पढ़ा है तो मुझे रिटेन ज्यादा होता था. एंड द पावर ऑफ रिटेनिंग वॉज मच मोर एज कम्पेयर टू जस्ट गोइंग टू अ क्लास एंड देन सॉल्विंग इट डाउन और मे बी जस्ट लिसनिंग टू सम टीचर एंड देन रिटेनिंग इट इन माई हेड. थर्डली ACC के लिए अगेन आई डिड नॉट ज्वाइन एनी कोचिंग एट ऑल. ACC के लिए मैंने कैपलन के नोट्स मंगवा लिए थे एंड मैंने जो भी सब्जेक्ट्स थे मुझे 4 सब्जेक्ट्स देने पड़े थे बिकॉज CA के बाद 9 लेवल्स एग्जेम्प्ट होते तो 4 पेपर दिए थे मैंने एंड चारों पेपर कैपलन के नोट से पढ़ लिए थे मैंने. ऑनेस्टली स्पीकिंग द मोर यू सॉल्व योर मॉक टेस्ट राइट इजियर इट विल बिकम फॉर ऑल ऑफ यू इन ऑर्डर टू जस्ट क्लियर योर एग्जामिनेशंस. अभी मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या होता है. प्रॉब्लम विद ऑल दीज कोर्सेज इज दैट वी आर वर्किंग एट सम ऑफ दी अदर कंपनी. अगर आप CA कर रहे हो तो आर्टिकलशिप कर रहे हो या तो बिग फोर में कर रहे हो या तो मिड साइज फर्म में कर रहे हो. अगर आप CFA कर रहे हो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप लेवल 2 और लेवल 3 जब दोगे आप वर्किंग प्रोफेशनल रहोगे. ACC अगर कर रहे हो तो लेट्स से फर्स्ट 5-8 लेवल या 9 लेवल तक आप काम नहीं कर रहे होगे बट आफ्टर 9th लेवल आप भी कहीं ना कहीं इंटर्नशिप करोगे या जॉब ढूंढने की कोशिश में लगे रहोगे. द पॉइंट ऑफ टेलिंग दिस इज दैट वेन यू आर वर्किंग प्रोफेशनल राइट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ट्रैवल ऑल द वे टू अ डिफरेंट लोकेशन स्पेशली इन अ सिटी लाइक मुंबई वेयर आई एम स्टेइंग राइट नाउ. कि अगर आप एक अंधेरी से अगर आप चर्च गेट भी जाना चाहोगे तो कम से कम 45 minutes to 1 hour आपको लग जाएगा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक. ट्रैवल में इतना टाइम चला जाता है आप पूरे दिन काम करते हो 8-10 घंटे तो इतना एनर्जी नहीं बचता है आपके दिमाग में डे एंड में कि आप रिवाइज भी कर पाओ. अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ऑनलाइन कोचिंग करो या तो आप घर पे बैठे बैठे करो. मोटिवेटेड रहो डिसिप्लिन रहो बट द ओनली रीजन आई एम टेलिंग यू दिस इज बिकॉज आप अगर ट्रैवल करोगे ना बहुत ज़्यादा तो आपका एफिशिएंसी कम हो जाता है. देखो मैं एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ. बिजनेस स्कूल जो होते हैं MBA वाले राइट वहाँ पर आपको नेटवर्क करना होता है वहाँ पर आपको लोग मिलते हैं दोस्त मिलते हैं. ऑल्दो मैंने कहा कि एक एडवांटेज कोचिंग का कि नेटवर्क बनता है पर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ये देखा कि 150 बच्चे भी रहेंगे ना आप सिर्फ 2 या 3 दोस्त बना पाओगे. बिकॉज ये लोग क्या है कि अगर सपोज 7-10 का क्लास है सब लोग बच्चे आएंगे 150 बच्चे बैठेंगे वहाँ पर एंड उसके बाद सब टीचर को सुनेंगे 3 घंटा 7-10 एंड 10 बजे अपने ऑफिस चले जाएंगे. यहाँ पर नेटवर्किंग होना थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे ओपिनियन में बिकॉज ये बिजनेस स्कूल नहीं है. अगर 2 साल का आप MBA करते हो तो वहाँ पर नेटवर्किंग इज द बिगेस्ट एडवांटेज आप दोस्त बनाते हो बट यहाँ पर नेटवर्किंग नहीं हो पाती तो एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया है पूरे एडटेक इंडस्ट्री में जहाँ पर जो कोचिंग्स होती है CA, CFA, ACC की ऑनलाइन चली जा रही है एंड यू कैन वॉच इट एट योर ओन पेस एट योर ओन फ्लेक्सिबिलिटी. द ओनली प्रॉब्लम इज मोटिवेशन वाला प्रॉब्लम. अगर आप डिसिप्लिन रहोगे अगर आपको कंप्लीट करना है अगर आपने ठान लिया कि मुझे फिनिश करना है देन यू विल बी एबल टू कंप्लीट द एंटायर करिकुलम. सो द पॉइंट इज इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल गो फॉर ऑनलाइन कोचिंग इज माई रिकमेंडेशन एंड आप खुद से भी कर पाओगे मार्क माई वर्ड्स. अगर आपको डाउट्स आते हैं तो ईमेल करो फैकल्टीज को या तो खुद से सीख लो यूट्यूब करो गूगल करो या तो दोस्तों से डाउट सॉल्व करवा लो. अभी आप वो स्टेज पे आ गए हो लाइफ में कि जहाँ पर आपको स्पून फीडिंग नहीं चाहिए आपको सिर्फ एक थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है जो आपको दोस्तों से भी मिल सकता है. दैट इज वन. सेकंड इफ यू आर अ स्टूडेंट राइट नाउ इफ लेट्स से यू आर इन 12th इफ यू आर इन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर एंड इफ यू जस्ट वॉन्ट टू लेट्स से गो टू अ कोचिंग क्लास जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ओके ये प्रॉब्लम कैसे होता है देन आई वुड रिकमेंड कि आप कोचिंग में जाओ बिकॉज आप वर्किंग प्रोफेशनल नहीं हो तो योर इंपॉर्टेंस और मे बी योर प्रायोरिटी शुड बी कि मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. और अगर आपको लगता है कि मुझे वो कोचिंग क्लास जाके ही कॉन्सेप्ट समझ आएगा जहाँ पर मैं टीचर को बहुत डाउट्स पूछूंगा एंड टीचर डाउट्स इंस्टेंटेनियसली सॉल्व करेंगे तो फिर आप डेफिनेटली एक इन पर्सन फेस टू फेस कोचिंग के लिए जाना. दैट इज माई रिकमेंडेशन. लास्टली अगर आपको डिसाइड करना है कि मुझे कोचिंग जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए दैट डिसीजन इज गोइंग टू हैपन आफ्टर यू हैव अ लुक एट द करिकुलम. फॉर एग्जांपल अगर आप CFA उठाते हो वहां पर आपको करिकुलम मिल जाएगा मॉड्यूल वाइज आपको सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे 10 सब्जेक्ट्स है हर एक सब्जेक्ट्स में ये मॉड्यूल्स आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे. वर्स्ट केस आप क्या करो पता है आप रिविजन लेक्चर देख लो या तो आप कोई भी फैकल्टी का लेक्चर देख लो यूट्यूब पे. अगर आपको लगता है कि यार ये तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है मुझे तो ये समझ जाएगा तो आप रेफरेंस बुक मंगवा लो खुद से पढ़ना शुरू करो. और अगर आप बीच में अटकते हो तो डेफिनेटली देन गो ऑन यूट्यूब एंड जस्ट सर्च फॉर lectures and then get your doubts solved. अगर आपको लगता है कि बहुत complicated हो रहा है आगे जाके then just buy some revision lectures or maybe go for coaching. So the best way to decide whether to join coaching for this subject or not is by actually going through the course curriculum, course content, actually watching a revision lecture or maybe a revision video of those topics and then if you feel कि अगर आपको जरूरत है then coaching join करना otherwise you can just do it by your own self as well. Talking about coaching right like which is most important कि मैंने कहाँ से लिया था तो मैंने अलग अलग subjects के लिए अलग अलग faculties लगाए थे. FR audit के लिए सार्थक जैन थे. SFM के लिए Mindswap Academy मयूर
संघवी सर के पास किया था। रिस्क मैनेजमेंट के लिए संजय सराफ के लेक्चर्स थे, आईडीटी के लिए यशवंत मंगल के लेक्चर्स थे, डीटी के लिए आरिश खान सर के लेक्चर्स दिए थे। तो मैंने अलग अलग फैकल्टीज लगाए थे। आरिफ इरफानुल्लाह के मैंने रिविजन लेक्चर्स यूट्यूब पे देखे थे जो कि अवेलेबल है, और ईसीसी के लिए मैंने कोई भी रिविजन लेक्चर्स नहीं देखे थे, सारे मैंने सेल्फ स्टडी किया था। सो अगेन द पॉइंट ऑफ टेलिंग दिस इज दैट आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हो, अगर कोचिंग ज्वाइन करो नहीं करो अल्टीमेटली आपके ऊपर है कि आपका रैंक आने वाला है या आप पास होने वाले हो या फेल होने वाले हो। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे ना क्लोजर टू द एग्जामिनेशन उतने ज़्यादा आपके चांसेस ज़्यादा है टू गेट अ रैंक और मे बी टू क्लियर द एग्जामिनेशन एज वेल। अल्टीमेटली इट इज ऑल ऑन द पर्सन हु इज गोइंग टू स्टडी। अगर आप देखोगे कोई भी कोचिंग इंडस्ट्री में 1000 बच्चे बैठे हैं कि अगर 10 लोगों का रैंक आएगा राइट, अगर वो लोग कोचिंग में नहीं भी बैठते अगर खुद से पढ़ाई करते ना, मार्क माई वर्ड्स उन 10 के 10 बच्चों का रैंक आने वाला ही था। सो ऑल्दो आई एम सेइंग कि ओके कोचिंग क्लासेस थोड़ा एफर्ट डालते बट इट्स ऑल ऑन द स्टूडेंट, ऑल ऑन यू ओनली कि आपका रैंक आएगा, आप पास हो गए आप फेल हो जाओगे। दैट इज अ वेरी वेरी पर्सन ड्रिवन फैक्टर एज कम्पेयर टू अ कोचिंग ड्रिवन फैक्टर। ऐसा नहीं होगा कि ओके मैंने ये क्लासेस ज्वाइन कर लिए तो मैं तो 100% रैंक आ जाएगा या तो मैं पास हो ही जाऊंगा। इट्स ऑल ऑन द पर्सन अल्टीमेटली। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। इफ यू डू लाइक दिस वीडियो शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आई कैन क्रिएट मोर वीडियोज फॉर ऑल ऑफ यू। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो जो भी कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक आएगा मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।